हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे भाई की शादी होने वाली है तो हम शॉपिंग के लिए आ गए हैं लाड़ बाज़ार को, बरी का सामान ख़रीदने, कश्तियाँ, जोड़े, वैनिटी बॉक्स, जो भी मैं आज शॉपिंग करूँगी आपको सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ शॉपिंग करते हैं, शादी की शॉपिंग जो मेरे भाई की होने वाली है 20 तारीख को। सारे ब्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, साँचक मंजे, शादी रिसेप्शन, सारे ब्लॉग्स मैं फिर से शेयर करूंगी। बहन की शादी लास्ट मंथ गई है, अब भाई की शादी है तो हम सारी शॉपिंग के, सारे रस्मों के सब ब्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम चल पड़े हैं लाड़ बाज़ार की तरफ, जहाँ पर हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखी जो मैं आपको भी दिखाऊंगी। ये इयररिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगी, पूछने पर उन्होंने 200 में कहा तो 150 में वो दे देंगे। ये देखिए, बरी के सारी कश्तियाँ यहाँ पर रेडी हैं। तो हमें तो ये रेडी वाले तो रेडीमेड नहीं लेना थे, हम लोगों को लेने थे कश्तियाँ जो हम घर में ख़ुद ही सजाएंगे। तो कश्तियाँ हमने इसका रेट पूछा और यहाँ से हमने कश्तियों की शॉपिंग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शादी की पहली शॉपिंग कश्तियों से शुरू की हमने। शादी की सारी तैयारी चल रही है घर पर भी। बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के यहाँ पर कश्तियाँ हैं जो आपको यहाँ पर सारी वैरायटी मिल जाएगी, साइजेस भी मिल जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ये कश्तियों को फाइनल किया और यहाँ से हम आगे निकल गए। बरी भी लेना था, हमने बरी का भाव उताव किया यहाँ पर और बाद में लेने का फैसला किया क्योंकि हाथ में हेवी हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर भी सेलेक्ट कर ली, बादाम, मिश्री, खजूर। ये बादाम 120 केजी बताया भाई ने। और चलते चलते हमें हिजाब के कैप्स दिखे जो अंदर पहनने के होते हैं, तो हमने यहाँ से ये भी बाई कर लिया। अच्छी वैरायटी थी, भैया ने 70 में कहा, 50 में दे दिया। फिर हमें भूख भी लग रही थी तो हम लोगों ने यहाँ पर लाइट नाश्ता कर लिया। हमने ऑर्डर किया पाव भाजी, दही पूरी जो यहाँ की बहुत टेस्टी है। तो यहाँ पर हमने ये खा लिया और हम आगे के लिए निकलने लगे क्योंकि हमें एक शॉप तक भी पहुँचना था। फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने एक बैंगल शॉप एक्सप्लोर किया था नीसा करके, तो हम लोग वहीं पर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की क्वालिटी हमें बहुत अच्छी लगी थी, वहाँ के आइटम्स भी बहुत अच्छे लगे थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम वहीं से थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं साइड्स में पूरे बैंगल्स के शॉप है और ये पूरा लाड़ बाज़ार है, बिल्कुल चार मीनार के अपोजिट सामने आपको नज़र आएगा। तो यहाँ से हम वही शॉप के लिए निकल रहे थे तो रास्ते में सारे शॉप्स मैंने आपको दिखाने थे तो मैं दिखा रही हूँ आपको सारे शॉप्स के कहाँ पर है। आप स्ट्रेट देखेंगे तो आपको चार मीनार नज़र आ रहा है। देखिए, ये पूरी लाड़ बाज़ार की गली है, चूड़ी बाज़ार बोलते हैं यहाँ पर, ये बहुत मशहूर चूड़ी बाज़ार, चूड़ी गली कहते हैं यहाँ पर। सारी खसम खसम की चूड़ियाँ और शादी का सारा सामान, साँचक मेहंदी का सब कपड़े सब मिलते हैं यहाँ पर। हर चीज़ आप यहाँ से आकर
बाई कर सकते हैं लाड़ बाज़ार से। यहाँ का फेमस है शादी के लिए, आपको चाहे कहीं भी रहें तेलंगाना में, हैदराबाद में शॉपिंग के लिए आपको हैदराबाद आना ही आना पड़ता है। सांचक मेहंदी के लिए सारे सामान यहीं पे मिलते हैं, आपको यहीं से फरोख्त करना पड़ता है। तो ये सारी लंबी जो गली दिख रही है ये पूरी चूड़ी बाज़ार की ही है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे शॉप्स हैं यहाँ पर। करीब 3-4 बजे के टाइम हम लोग निकले थे, तो वही टाइम है ये जो हम जा रहे हैं यहाँ पर शॉपिंग के लिए। तो ये शॉप पर हम आ गए, चलिए हम ये शॉप पर क्या क्या परचेस करते हैं वो दिखाते हैं। निशा बैंगल्स पे हम आ गए हैं, तो हमको लेना था वैनिटी बॉक्स, तो हमने वैनिटी बॉक्स को बताने के लिए बोला क्योंकि ऑलरेडी मैं ये दुकान का वीडियो बना चुकी थी, तो मुझे आइडिया था कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या क्वालिटी है और कौन सी चीज़ हमें लेना है। तो हमने डिसाइड किया कि हम वो ब्लैक वाला वैनिटी बॉक्स ही लेंगे, वो बहुत डिफरेंट और यूनिक लग रहा था। ये वाला हमको समझ में आ गया और हमने इसको डन कर दिया, यही लेना है। फिर हमने चूड़ी देखी, चूड़ा भी बहुत अच्छा था यहाँ पर, तो ये चूड़ा भी हमको पसंद आया, तो ये वाले भी हमने बाय कर लिए। फिर हम चले शादी का दुल्हन के लिए जोड़ा देखने के लिए, तो ये वाला भी बहुत अच्छा लगा, जो बहुत ही गोटा पत्ती का वर्क था इसमें, बहुत यूनिक लग रहा था सारा डिज़ाइन, सब कुछ इसमें अच्छा लग रहा था। तो हमने यहाँ पर ये भी कपड़े देखे और समझ में आने पर बाय करने की कोशिश की, क्योंकि एक जगह से ही हम डन नहीं कर सकते, तो और भी बहुत सारी वैरायटी देखनी है। तो यहाँ पर हमने ये देखा तो मैंने ये भी आपके साथ शेयर कर लिया। ये भी मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा और बहुत एकदम यूनिक और अट्रैक्टिव कलेक्शन लगा ये, क्योंकि गोटा मेरे को बहुत पसंद आता है। गोटे के जहाँ पे भी जो भी दुकान में या शॉप में सूट्स या शरारे या खड़ा दुपट्टों में कुछ ऐसा वर्क होता है, तो मैं ज़रूर उसको देखती हूँ और अच्छा लगने पर उसे बाय करने की ट्राई करती हूँ। तो ये वाला मुझे बहुत पसंद आया। तो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हमने ली है, साड़ी सूट्स वगैरह। भैया ने कहा कि वीडियो फ़ोन का वीडियो ना लें, तो मैंने ऑफ़ कर दिया, तो हम ज़्यादा यहाँ पर नहीं ले पाए। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए और हम लोगों ने बाहर की तरफ आ गए। यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे मुझे सूट्स लगे। ये देखिए पाकिस्तानी सूट है, कितना प्यारा लग रहा है। आप लाड़ बाज़ार में जाएंगे तो आपको चूड़ी बाज़ार से लेके कपड़े सब सारी चीज़ें आपको ए टू जेड वहाँ पर मिल जाएंगी। हर चीज़ जो जो भी आप चाहें वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो हमें तो अब रात हो गई यहाँ से शॉपिंग करते करते। तो अब हम लोग ने डिसाइड किया कि अब हम घर चले जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी शॉपिंग हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। और प्लीज़ प्लीज़ जो नए व्यूवर्स मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं वो प्रेस करने के बाद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसे ही मैं वीडियो आपके पास तक लेकर आती रहूँगी, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हैदराबाद में कहाँ पर कौन सी चीज़ है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कौन सा रस्म शुरू होता है उसका वीडियो, उसका ब्लॉग लेकर मैं आऊँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।